हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रू ड्रीम्स रिएक्शन। तो आज का जो रिएक्शन वीडियो होगा वो बहुत ही लेटेस्ट सॉन्ग के ऊपर होगा। ये है सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग एंड इनकी ना काफ़ी ज़्यादा अभी कुछ कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं। मैं काफ़ी चीज़ें मैंने इनकी देखी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सॉन्ग में कुछ उन्होंने कुछ तो ऐसा मतलब संकेत दिया है कि हम लोग समझ सकें कि वो व्यूअर्स को, जो भी उनके फैंस हैं, उनको वो मैसेज शायद इस सॉन्ग के थ्रू कुछ ना कुछ तो देना चाह रहे होंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में उन्होंने अपना ये सॉन्ग रिलीज़ करा है। तो देखते हैं साथ में कि इस सॉन्ग के अंदर क्या है। सॉन्ग का नेम है रोटी। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन इस सॉन्ग के ऊपर। लोगो इनका बहुत सही लगता है मुझे, एकदम सॉलिड वाला। सॉन्ग सिद्धू मूसेवाला का रोटी, सिर्फ इनका ऑडियो क्लिप था, वीडियो इसके ऊपर नहीं था। एंड जितना मैंने अंदाज़ा लगाया था बिल्कुल ये वही निकला। मतलब जो करंटली जो उनके साथ हो रहा है, जो सिचुएशन हुई है, सी मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, हाँ, बट मैंने पिछले लास्ट 2 डेज में ये ज़रूर देखा है कि बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ में इनको घसीटा जा रहा है, इनको बहुत ज़्यादा मतलब ड्रैग किया जा रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में। तो इस सॉन्ग के थ्रू उन्होंने अपने मन की बात ही कही है एंड मुझे लगता है उनकी जो भी मन में भड़ास थी ना, वो शायद इस सॉन्ग के थ्रू उन्होंने पूरी निकाल दी। उसमें उनके हेटर्ड आ गए एंड जो लोग उनको हमेशा ड्रैग करते हैं, हर चीज़ में ज़बरदस्ती उनका नाम लेते हैं ताकि वो मतलब एक नेगेटिव इमेज उनकी बने, तो उन लोगों के मुँह पर एक स्लैप था ये सॉन्ग में। उन्होंने बहुत ऐसे वर्ड्स मतलब इनडायरेक्टली ना उन्होंने सबको लपेट डाला। देखो मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है, बट जितना मैं समझती हूँ मैं उतना आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को तो मुझसे बेहतर ही समझ में आया होगा। तो मतलब जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर इन्होंने ये जो है गाना बनाया है। उन्होंने ये भी बोला कि मतलब जब तक ऊपर वाले का साथ मेरे साथ है, उन्होंने जब तक मेरा हाथ ऊपर वाले ने पकड़ा हुआ है, तो मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने इस सॉन्ग में बोला। यही उन्होंने बोला कि मतलब इनको नेगेटिव दिखाने के लिए इनके नाम के अखबार भी छप रहे हैं, लोग नाम मतलब लोग गाने भी बना रहे हैं इनका नाम यूज़ करके। जो एक लाइन उन्होंने बोली ना, मतलब वो लाइन का मीनिंग बहुत गहरा है कि पंजाबी में इन्होंने बोली थी कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं खुद बिजनेस हूँ। मतलब एक वर्ड मैं सिर्फ अगर बोलूँ तो, यानी कि उन्होंने खुद को बोल दिया कि मैं एक ब्रांड हूँ। एंड वाकई में सिद्धू मूसेवाला कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है आज की डेट में, वो एक ब्रांड है। मतलब उनका नाम यूज़ करके ना, मतलब हमारे जैसे लोग तो ऑब्वियसली उनको सपोर्ट ही करेंगे, उनके फ़ैन हैं और रहेंगे, लेकिन जो हेटर्ड लोग हैं वो सच में उनका नाम एक ब्रांड तो खैर वो है ही यूज़ ऐसे करते हैं, फेम वो ले लेते हैं एंड जो है कॉन्ट्रोवर्सीज़ में उनको डाल के चले जाते हैं जो उनके हेटर्ड हैं। तो जो लोग मतलब कॉन्ट्रोवर्सीज़ वगैरह क्रिएट करते हैं हर बारी उन्हें लेके, एंड इससे पहले भी कई सारी बार ऐसा हो चुका है कि कई सारी चीज़ों में उनको लपेटा गया है ज़बरदस्ती। थोड़ा बहुत आइडिया, मुझे ज़्यादा तो इसके बारे में इन डेप्थ नहीं पता कि पूरा मसला क्या हुआ था। तो जो सनी माल्टन और जो बिग बर्ड है उससे इनका कुछ चल रहा है मतलब, तो यार मतलब इनके सॉन्ग में उनका ही म्यूज़िक होता है। एंड जब ये दोनों तीनों मर्ज होते हैं, एक कोलैबोरेशन इनका होता है ना, तो बहुत बेहतरीन सॉन्ग निकल कर आता है। ऑब्वियसली हर एक का अलग अलग किरदार है, बिग बर्ड का म्यूज़िक कमाल है, मतलब वो जिस सॉन्ग में उनका म्यूज़िक आ जाए ना वो सॉन्ग मतलब ज़बरदस्त हो जाता है। एंड दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला, उनकी तो क्या ही कहने, बट हम भी नहीं चाहते कि ये लोग बिल्कुल अलग हों, तो ये लोग मिलके ही फ्यूचर में काम करें। अब ये देखना है कि जो सनी माल्टन बिग बर्ड है उनकी साइड से क्या रिस्पांस आता है, वो लोग क्या रिएक्शन देते हैं। तो आई होप कि सब कुछ अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ सारी सिचुएशन अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो ये था मेरा इस सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये रिएक्शन। इसी के साथ मैं करती हूँ मेरे वीडियो को फिनिश, मिलती हूँ आपसे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, ठीक है, स्टे सेफ एंड स्टे होम।